मध्य प्रदेश के सतना में सवर्णों के संगठनों ने आज प्रदर्शन में पुलिस को पानी पिला दिया। सतना में लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन बवाल खामोश नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस ने लोगों पर सरकारी लाठी का दिल खोलकर इस्तेमाल शुरू कर दिया। कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के हालात बन गए। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर दागे तो पुलिस ने लाठी। लाठी चार्ज की तस्वीरें देखें, किस तरीके से खदेड़ खदेड़ कर पीट रहे हैं पुलिस वाले। मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, राजनीतिक माहौल गर्म है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, प्रदर्शनों का दौर है। और उसी बीच ये देखें, एक महिला को एक पुरुष पुलिस वाला कैसे ऐसे बर्बरता कर सकता है। दिल्ली में सीलिंग पर सियासत उफान मार रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी सीलिंग की सियासत को पूरी तरह गरमाने में लगे हैं। दो दिन पहले सील तोड़ने वाले मनोज तिवारी आज फिर गोकुलपुरी इलाके पहुंचे। हालांकि दिल्ली पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच वो कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सील तोड़ने की चेतावनी जरूर दे डाली। मनोज तिवारी पर FIR हो चुकी है, लेकिन वो अड़े हुए हैं। मनोज तिवारी जनता को क्या समझते हैं? तीनों MCD इनकी, जो निर्देश है वो सुप्रीम कोर्ट की जो एक टीम है उसका निर्देश है, और अब ये सील तोड़ते फिर रहे हैं, वो भी इतने दिन के बाद। समझते क्या है ये जनता को? सिखों के धर्मस्थल करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। सिद्धू वर्सेस हरसिमरत कौर। हजार लोग हजार बातें कर चुके हैं, मैं तो नहीं बदला, ठीक है। और ये कोई निजी मामला है भाई? मेरी माँ मुझे छोटे उम्र में कहा करती थी कि जेलसी इज द जॉन्डिस ऑफ द सोल, जेलसी इज द जॉन्डिस ऑफ द सोल। मुझे नहीं है वो। मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे जितनी मर्जी गालियाँ दो, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है फॉर्मल वो करो, कोई दे, याद देते हैं, पहले से भी देते हैं। इस मुद्दे पे मैं नहीं बोला। आके हिंदुस्तान में बोलते हैं कि मैं गले जर्नैल बाजवा, जो पाकिस्तान के जर्नैल के गले इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने बोला कि करतारपुर कॉरिडोर, जो एक सिखों की एक धार्मिक भावना के साथ बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है, कई सैकड़ों सालों से ये मांग रखी गई है कि जहां गुरु नानक देव जी के स्थान है वहां पे ये कॉरिडोर खोला जाए और श्रद्धालु को आना जाना की मंजूरी दी जाए, लेकिन किसी पाकिस्तानी सरकार ने आज तक इसमें कोई हाथ कोई पल्ला नहीं फड़ाया, कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। लेकिन ये कांग्रेस के मंत्री आते सारी कहते मैं तो गले लग गया क्योंकि मुझे देखते ही जनरल ने कह दिया कि तुमको ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने का हमने फैसला कर दिया है। राफेल डील पर दिल्ली में आरोपों की नई उड़ान शुरू हो गई है। पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी ने सिर्फ 36 विमानों की खरीद पर सवाल दागे, जवाब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिया। Instead of getting a cheaper price for aircraft, Modi government is purchasing 36 aircraft at a higher price, substantially higher price than the UPS proposals. At the same time, there is no transfer technology, there is no production of 108 aircraft in HAL. The OEM to go and put his investment into any place, public sector or private. So do you say that your rule was wrong? OEM के पास मैं जाकर के कुछ बोलूंगी नया, वो भी आप बोल सकते हैं, वो भी मतलब उनके समय की सरकार भी बोल नहीं सके, नहीं तो वो HAL के साथ अग्रीमेंट हो जाता था। अग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ? बात चलने में रूल का, आई मीन बात चलने में दैट यू पेट्रोनाइज्ड पब्लिक सेक्टर तो साबित नहीं होता। यू गेट द अग्रीमेंट डन मैन, नॉट जस्ट टॉक। बातचीत चल गया इसीलिए वो HAL के तरफ, और बातचीत नहीं चला इसलिए हम HAL के तरफ नहीं है। एक ऐसा है लॉजिक। बड़ा अच्छा लगा एके एंटनी साहब आए,
क्या इस बात का जवाब देंगे कि इतने साल रक्षा मंत्री होने के बावजूद भी जब देश को जरूरत थी तो भी कोई फाइटर प्लेन की डील इन्होंने क्यों नहीं साइन की? लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।